नाइन्थ क्लास से लेके और ट्वेल्थ तक जो बच्चे हैं उनको पुस्तकें फ्री देनी चाहिए, लेकिन वो अभी तक कहीं भी लागू नहीं है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने इसको लागू किया है और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि जो नौवीं से बारहवीं तक के जो भी बच्चे हैं उनको सरकार जो पुस्तकें हैं वो फ्री देगी। आठवीं तक के लिए तो हम पहले ही पुस्तकें भी, बैग भी और बैटरी बैग्स वगैरह सारा कुछ पहले ही से ही उनको फ्री देते हैं, लेकिन अब नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक भी हम ये जो पुस्तकें हैं उनको फ्री उपलब्ध करवाएंगे। इसमें सरकार का लगभग 41.47 करोड़ रुपया इस पर हमारा खर्च होगा और लगभग ये 6,19,256 बच्चे इन क्लासों में नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने निर्णय लिया कि जो पुस्तकें हम उनको देंगे तो उनका पूरा होने के बाद, पीरियड पूरा होने के बाद वो पुस्तकें दोबारा से वापस से हमारे पास ही जमा करा देंगे और उन्हीं पुस्तकों को हम जिनकी ठीक स्थिति में जो पुस्तकें होंगी उनको अगली क्लास में जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को वो पुस्तकें हम दोबारा से वितरित कर देंगे। पहली बार में तो हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आने वाले टाइम में खर्चा कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये हमारा 10-20% ही खर्चा रह जाएगा क्योंकि काफ़ी पुस्तकें बच जाएंगी और इससे मैं समझता हूँ और भी फायदा होगा क्योंकि जो हर बार मान लो बच्चा जो पुस्तक लेता है और उसके बाद अगली बार नई पुस्तक लेता है तो कागज़ बनाने में भी काफ़ी पेड़ भी लगते हैं, पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो जहाँ बच्चों को फ्री में पुस्तकें मिलेगी वहीं पर्यावरण का भी इसमें बचाव होगा और निश्चित तौर से बच्चों का लाभ होगा इसका बहुत।